रोहित पवार के नेतृत्व में निकली युवा संघर्ष यात्रा के समापन के बाद निकले मोर्चे पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जहां विधायक रोहित पवार समेत कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। युवा संघर्ष यात्रा समापन सभा में विधायक रोहित पवार ने सरकार को इशारा दिया था कि शरद पवार के भाषण के बाद यदि सरकार का कोई मंत्री उनकी मांगों का संज्ञान नहीं लेता तो मौजूद सभी विधान भवन का घेराव करेंगे, लेकिन सरकार द्वारा किसी भी प्रतिनिधि को नहीं भेजा गया, जिसके चलते रोहित पवार के नेतृत्व में मोर्चा निकाला गया, जहां सुरक्षा के मद्देनजर विधायक रोहित पवार समेत रोहित पाटिल और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। दर्शकों, शीतकालीन सत्र के चौथे दिन जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में निकाली गई युवा संघर्ष यात्रा का समापन आज हुआ, और जहां की है उन्होंने रोहित पवार ने इशारा दिया था कि 15 मिनट में शरद पवार के भाषण के बाद यदि सरकार उनकी बात नहीं सुनती तो है बड़ी मात्रा में यहाँ मोर्चा निकाला गया था, और हुआ वैसा ही। और जिसकी स्थिति को देखते हुए, स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस यंत्रणा को उन जो है आंदोलनकारियों को, मोर्चेकारियों को गिरफ्तार करना पड़ा, और काफी बड़ी मात्रा में जो है असंतोष यहाँ जो है व्यक्त किया गया। और आप जिस प्रकार से देख पा रहे, पुलिस यंत्रणा भी थी, पुलिस यंत्रणा भी सज्ज हो चुकी है, और आंदोलनकारियों को भी जो है गिरफ्तार किया गया है। दर्शकों, आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं आंदोलनकारियों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, इस वक्त जो है कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है जो आंदोलन के बाद जो है मोर्चे के बाद जो स्थिति काबू करने के लिए शांतता रखते हुए जो है पूरे कार्यकर्ताओं को यहाँ पुलिस के वैन में जो है कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।